नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का जो हमारा विषय है वो है मंगल ग्रह के ऊपर मांगलिक विचार। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पहले भी एपिसोड आ चुके हैं मांगलिक दोष के ऊपर, लेकिन ये एपिसोड मैं आज आपको, दिस इज द बिग एपिसोड, मैं हर एक डिटेल्स आपको दूंगा। लाइक जैसे कि देखिए, सबसे पहले मंगल की दो नेचर्स हैं। मंगल को बोला गया है, मंगल अगर नेक है तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर ये बद हो जाए तो मंगल आपको बहुत दुष्ट परिणाम, घातक परिणाम देता है। बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के ऊपर। आप इसे ध्यान से समझिएगा कि अगर मंगलिक हैं आप या आपके रिश्तेदारों में कोई भी, तो दोस्तों उस चीज को आप समझिएगा कि मांगलिक आप अपने लिए नहीं हैं, आप अपने स्पाउस के लिए हैं। कुंडलियों का मिलान तो कर दिया जाता है, लेकिन उसमें मंगल की पोजीशन को नहीं देखा जाता। मोस्टली कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि रमन जी, हमारा बच्चा मांगलिक नहीं है, लेकिन जो आगे है वो मांगलिक है, और आप कुछ ऐसा करें कि शादी हो जाए, प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बहुत चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि जो परिणाम है मंगल के वो आपको भोगने पड़ेंगे। कुछ रिजल्ट में आपको, देखिए, 1.5 साल के अंदर अंदर मांगलिक दोषपूर्ण अपने पीक पर आ जाता है। जैसे कि मांगलिक दोष के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एक बैड इफेक्ट्स आते हैं, वो क्या है? देखिए, स्पाउस की हेल्थ के ऊपर बहुत बड़े पंगे खड़े हो जाना, नंबर 2 पे एक्सीडेंट हो जाना, नंबर 3 पर आग से खतरा, और नंबर 4 पर बिजली के उपकरण, वहां बिजली से खतरा। ये बहुत ही एक भयानक इसके परिणाम हमने देखे हैं। मैं मोस्टली हॉरोस्कोप चेक करता रहता हूं, उसमें मैंने देखा है बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो कुंडलियों का मिलान तो कर रहे हैं, स्कोर्स देख रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष को मद्देनजर, मतलब उस चीज को एक अलग ढंग से लेते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि प्लीज आप यहां पे विराम लीजिए, ऐसे कोई भी स्टेप ना लीजिए जिससे बाद में आपको दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हो। दिस इज नॉट फॉर ए गर्ल, ये लड़के के लिए भी है। ये जरूरी नहीं है कि उस लड़की की कुंडली के अंदर ही मांगलिक दोष है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के ऊपर, मैं आपको और कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, मांगलिक दोष के जो बच्चे हैं वो, उनका क्या होता है कि डिवोर्स, सबसे पहले तो ईगो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त रहती है, शॉर्ट टेम्पर्ड, मंगल का जो प्रभाव है वो गलत है। दूसरी बात मैं आपको यहां पे और दोस्तों क्लियर कर दूं कि मांगलिक मैंने जितने भी देखे हैं उनको जबरदस्ती मूंगा पहनाया जा रहा है। कोई उसमें थोड़ा सा भी, मैं यहां पे इस चीज को, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर उस चीज को करा जा रहा है कि नहीं, मूंगा आप पहन लीजिए, जबकि मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, जो मांगलिक है वो मूंगा ना पहने। हाँ, कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो करें, बहुत ज्यादा फर्क आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर सबसे पहले मैं आपको पहला उपाय दे दूं, एक तो शादी जो है 24-28 के बाद अगर आप करेंगे तो मंगल का कुछ प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए, मांगलिक दोष का एक और हमारे यहां पे बहुत धारणा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो मैंने प्राय सुना है कि आप 28 के बाद अगर शादी करते हैं या 24 के बाद अगर करते हैं तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। एक नई एस्ट्रोलॉजी और भी जन्म ले रही है, मेरे को तो इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है। मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, जो मेरी एक अनुभव है, मैं वही बात करता हूं। तो बात कर रहे हैं मंगल दोष के ऊपर। देखिए, पहले बात, जो मांगलिक है वो बिल्कुल भी मूंगे को टच भी ना करें, ना पहने, ना ऐसा कोई उपाय लें। देखिए, उपाय क्या बनते हैं? उपाय जो हैं ये बहुत वैदिक उपाय हैं। सबसे पहले जब शादी, आप जब स्कोर्स मिल गए, हाँ दोनों मांगलिक हैं तो मैं बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो दिक्कत दोस्तों आनी ही आनी है। एक चीज और मैं आपको यहां पे बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि कुछ टिप्स हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिए। जैसे चलते पानी में कुछ सामान होता है, उसे बहाना होता है,
वो मैं आपको इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपको और क्या-क्या करने की जरूरत होगी जिससे मंगल का जो प्रभाव है, दुष्ट प्रभाव है, वो कुंडली के ऊपर कम हो जाए। एक चीज दोस्तों और मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि जो मांगलिक दोष जिनको है वो कोशिश करें कुंडलियों का मिलान जरूर करवाएं। ऐसे ना हो कि आप इस चक्कर में फंस जाएं, रिश्ता बहुत अच्छा है, हमने करना ही करना है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, बच्चा घर पे आके बैठ जाता है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, मैट्रिमोनियल लाइफ की मिठास खत्म हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो प्लीज आप इसे अवॉइड करें। हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनली आके मिलना चाह रहे हैं या फोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी, मेरे से फोन अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर भी बात कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऑफिस आकर अपने टाइम पर मेरे से मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मंगल, कोई भी एनी प्लेनेट से रिलेटेड कोई भ्रांति है, कोई वहम है, कोई भ्रम है, तो मैं बोलूंगा कि मैं उन वहम को बहुत कोशिश करूंगा कि आप उन वहम से बाहर आए, मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा। दोस्तों इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आप और आपके दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि कोई भी बच्चा मांगलिक दोष से अगर पीड़ित है तो उसके डरने की बात नहीं, आप एक इस चीज को संभल के चलिएगा कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि कोई डरने वाली बात नहीं है। मोस्टली डराया जाता है, हमारी लाइन है, तो इसमें मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं डराता हूं। मैं तो बोलता हूं वहम से बाहर आ जाइए। शनि का जैसे बोला जाता है 7:30 ही शुरू हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कोई परमाणु बम ऊपर फेंकने वाला है शनिदेव आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ढैया 7:30, शनिदेव बहुत ही बढ़िया प्लेनेट है, डरिए ना, भ्रांतियों से दूर रहे। हाँ, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक